आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति में बहुविवाह की प्रथा पहले से थी। महाराजा दक्ष के 27 कन्या थी, 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ, और महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मैंने ये उठाया कि जब आप 4 बीवियों के लिए ही UCC लाना चाहते हैं तो एक ऑर्डिनेंस ले आओ, जैसे आपने आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला एक सेकंड में पलट दिया, तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? तो सीधा कहो कि 4 शादियां बैन, बात खत्म हो गई। इसमें इधर अगर मगर लेकिन बट किंतु परंतु क्यों करना चाहते हो आप? और मैंने ये कहा था कि अगर 4 शादियां प्रॉब्लम है उनको नीचा मत करो तो इनको ऊपर कर दो। ये मेरा एक तर्क था, वैसे मैं तर्क 4 शादियों का पक्ष में विचित्र तर्क है ये, ना ही मैं पक्ष में था, मगर जब देश बदल रहा है तो सब कुछ बदलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत आहत हूँ कि धर्माचार्य होके इस प्रकार की बात कहे। राजा दशरथ के 3 रानियों का मतलब क्या 3 रानियां थी? दशरथ जिसने 10 इंद्रियों का रथ रिखा, के खिलाफ नहीं बोल रहा, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, मेरा निवेदन है शांति रखिए और एक एक करके अपनी बात को रखिए। आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं, दोनों तो पता दोनों नहीं क्यों जरूर बातें करने लगे कि 4 बीवियां रख दो, फिर कहने लगे भारतीय संस्कृति में होता था कुछ भी आए भाई साहब बोलने लगते। धर्माचार्य होकर शर्मानी चाहिए। क्या कुरान में गलत लिखा है? क्या रामायण गलत है? क्या रामायण के सुधांशु जी तुमसे उम्मीद नहीं थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन 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 कई सारे लोगों के पास अच्छा हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? बोलो बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? दशरथ या राम? राम। तो फिर राम के कितनी पत्नी नहीं? लेकिन क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उनकी एक ही पत्नी थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कोई 4 शादियों के किसी भी धर्म में पक्ष में नहीं है, और अगर किसी में है तो वो उनका अपना विषय है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज पार में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।